त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज हम आए हैं रिया वर्मा के यहाँ पे। रिया वर्मा वो हैं जिन्होंने हापुड़ का नाम स्विमिंग में बहुत ज़्यादा रोशन किया है। आइए चलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। जी तो रिया जी, कैसा रहा अभी तक का आपका सफ़र? आपने कहाँ से शुरू किया ये स्विमिंग का? एक्चुअली इधर ही स्विमिंग पूल था पहले कॉलोनी में जो टूट चुका है, वहाँ से शुरू किया था और अभी मैं फिलहाल दिल्ली प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी तक आपने कितने मेडल्स जीते हैं? काफ़ी सारे मेडल हैं लगातार। 2 साल से दिल्ली में मेरा जो मेरा मेन स्ट्रोक है उसमें लगातार 2 साल मेरा गोल्ड मेडल है और लगातार मतलब मेडल बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो मतलब आगे का क्या है, आगे का क्या सपना है आपका? ऑब्वियसली जो हर खिलाड़ी का होता है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में मतलब इंडिया को अभी तक मेडल नहीं आया, इंडिया की ओलंपिक में खाली है, तो उसके बारे में क्या सोचा है कि मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिली? क्योंकि इंडिया में जब मेडल ही नहीं आए तो मोटिवेशन इंडिया से तो मिली नहीं होगी। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है, इंडिया में मेडल ही नहीं, आप कुछ सोचिए तो क्यों ना उसको लेके आए। जैसा हमें अपने सूत्रों से पता चला था कि आपके पिताजी भी आपके गुरु हैं, तो उनके बारे में बताइए कि मतलब उन्होंने आपको कैसे प्रेरणा दी इसके स्विमिंग के लिए? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने भी किया है और यहाँ से जैसे आप देखेंगे कंटिन्यू प्रैक्टिस, दिल्ली जाना आना, वो सब यही देखते हैं। अच्छा, तो मतलब बचपन से ही आपका ये था कि स्विमिंग ही क्यों? बचपन से किया है ये, हमने स्विमिंग पूल में खेलने जाते थे, फिर लगातार कॉम्पिटिशन्स हमने मतलब बच्चों में ही अपने शुरू किए। वैसे ही हमारे कोच थे एक रामानंद राय जी, उन्होंने इसमें हमें प्रोफेशनली डाला और फिर हम इसमें चलते रहे। तो अभी हम आपके घर में जाएंगे थोड़ी देर बाद, आपके मेडल्स भी देखेंगे, आपके घर वालों से भी थोड़ा बात करेंगे और आपके बारे में जानेंगे कि आपकी दिनचर्या कैसे होती है। हम रिया वर्मा के घर पर, अभी उनके कुछ अवार्ड हमें दिख रहे हैं, उनसे पूछते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। तो आपके लिए सबसे स्पेशल अवार्ड इनमें से कौन सा है? वैसे तो स्पेशल ही होते हैं सारे अवार्ड्स, पर जो मतलब जो बिल्कुल दिल के बिल्कुल पास हो, इतने सारे अवार्ड्स के बीच आप मतलब खोज नहीं पा रहे हैं कि ये तो है कौन सा आपका फेवरेट है। ये बिकॉज ही मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया था, उसी के उपलक्ष्य में मुझे दिया गया था। इस पे लिखा हुआ है अवार्ड ऑफ ऑनर स्विमिंग फॉर पार्टिसिपेट इन खेलो इंडिया, मतलब ये कहाँ पे हुआ था इसका वेन्यू? ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र। अच्छा, तो मतलब ये कितने मीटर की थी? ये इसमें मेरा था 50 मीटर ब्रेस्ट वर्क। अच्छा, कितना मतलब टाइम कितना निकला था आपने? मैंने इसमें दिया था 41 सेकेंड एंड करंट मुझे शोल्डर इंजरी भी थी, तो उस वजह से मेरा परफॉर्मेंस जितना अच्छा होना था उतना नहीं हो पाया। तो चलिए अब चलते हैं रिया वर्मा के पिताजी के पास। रिया वर्मा जी के पिताजी हैं और इनके कोच भी हैं, जानते हैं इनसे रिया वर्मा के बारे में। तो बताइए, आपकी बेटी है छोटी, सबसे बड़ी बेटी का मतलब हिंदुस्तान में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है अगर बेटी स्पोर्ट्स में खेलती है, तो आपने मतलब इन्हें कैसे प्रोत्साहित किया? मतलब मेरे परिवार की भी बात है, सब लोग चाहते हैं कि जी हमारे देश में मोदी जी भी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ। उन्होंने खेलो इंडिया चालू किया था, पिछले साल ही खेलो इंडिया खेल के आई है, नेशनल में भी इसका पार्टिसिपेशन रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारे, लगभग 11 नंबर पर हम आज की तारीख में नेशनल में अपने इवेंट के अंदर। और ये पिछले समय में इसी साल में हमारे एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है, तो मतलब प्रदेश के अंदर। अभी हमने पूछा भी था रिया से कि मतलब आपका फेवरेट मेडल कौन सा, फेवरेट ट्रॉफी कौन सी है, तो वो देखने लगे और कन्फ्यूज हो गई। एक खिलाड़ी के लिए उसके लिए सभी मेडल अपने लिए। मतलब अभी आप ही कोचिंग दे रहे हैं या प्रोफेशनल कोच? नहीं, अब हमारे कोचिंग से तो बाहर है, लेकिन अभी प्रोफेशनल कोच हैं। अभी इसने हरियाणा प्रैक्टिस करी है पिछले पूरे गर्मी में, और हमारे विंटर में आने पर हमारे यहाँ वेदर कूल नहीं है, तो इसलिए तालुका स्टेडियम वहाँ पर प्रैक्टिस कर। आपकी कितनी बच्चे हैं? तो वो हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं उनके बाद अच्छे भविष्य के लिए और आगे भी हम इन्हें कवर करते रहेंगे और हापुड़ का नाम भी रोशन करेंगे। जैसे एक आखिरी सवाल मेरा ये था, हम हापुड़ हलचल की मतलब हमने भी नया चैनल स्टार्ट किया है हापुड़ हलचल, तो उसके माध्यम से आप कुछ दो शब्दों के लिए पूरे शहर में
शहर के लिए कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे कबड्डी हो, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तो खेलें, बच्चों के साथ मतलब एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें ऐड करें, बच्चों से ज़्यादा लड़कियाँ खेलें, क्योंकि हमारे देश में लड़कियाँ बहुत पीछे हैं, पीछे मतलब इन द सेंस कम है वो भी। ये बात कह सकते हैं, ये बात मैं मानता हूँ आपकी, लड़कियों के लिए भी मेरा बेटा ये भी अच्छी स्विमिंग करता है छोटा, और दूसरी बेटी भी स्विमिंग जानती है, लेकिन वो उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है, बड़ी का है तो इसको बड़ी इंटरेस्ट की।